नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज। दोस्तों, तस्वीरों में आप मुकेश नाम के युवक को देख पा रहे हैं जो कि सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। इस समय कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में पहुंचे हुए हैं जहां पर तीन भाई थे ये, लेकिन अभी फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं दो भाई फिलहाल रह चुके हैं और बता रहे हैं कि माथा टेकने के लिए करनाल पक्के पुल पर ये अपने दोस्त के साथ मुकेश आया था, जिसके बाद वापसी में जाते हुए जो है ये हादसा होता है। और बता रहे हैं कि बाइक पर मुकेश था अपने दोस्त के साथ, उनके भाई हैं। आप भाई हैं उनके मुकेश के? जी सर। तो ये कब हुआ ये पूरा हादसा और कैसे हुआ? 10:30 से 11 बजे। 10:30 से 11 बजे जी सर, कल रात को हुआ है? जी सर। तो ये सुबह कितने बजे निकला, कहाँ से निकला था ये? सर, ये सुबह ड्यूटी से निकले थे, पीएनबी बैंक में लगे हुए सर, ये जॉब करते। पीएनबी बैंक में लगे हुए? हाँ जी। कहाँ पे? सर, ये उमरी लगे हुए जॉब पे। अच्छा, उमरी में लगे हुए? हाँ जी सर। तो ये वहाँ से ये निकले, दोनों दोस्त हैं आपस में, आप मुकेश आपका भाई साथ? हाँ जी, हाँ जी, दोस्त है वो उसका जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, फिर ये निकले सर? सर, ये पक्के पुल पे बाबा मत्था टेकने के लिए गए थे सर, ये करनाल आए थे? हाँ जी, करनाल आए थे। तो आते हुए सर सिस्टर के घर चले गए वो। ठीक है। तो वहाँ पे ये जीजा जी बोल रहे थे भी रेस्ट कर लो आप। ठीक है। तो फिर जो उसके साथी था दूसरा, तो वो जिद करने लगा, नहीं अभी मेरे को घर जाना है, उसके घर से फ़ोन आ रहे होंगे जी। तो ना मानने पे, वो लेट गए थे, वैसे तो लेट गए थे सोने के लिए, मगर उसका जो साथी था, जो मतलब कि फ्रेंड था जो, तो वो लड़का दीपक नाम का है जी, वो जिद करने लगा, नहीं चलना है भाई, अभी फ़ोन आ रहे हैं घर से भी। ठीक है। तो उसकी जिद के ऊपर जो चल दिए जी वहाँ से। ठीक है। तो सारा रास्ता क्रॉस कर दिया था, बड़थल और अमीन में थोड़ा सा फासला है जी, 3-4 किलोमीटर दूर का। ठीक है। तो कुटिया के पास से क्रॉस करके हम 3-4 किले टपके सर, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि थोड़ी सी बाइक चलते चलते ना खड्डे थे बीच में सड़क में, सड़क में खड्डे थे, गड्ढे थे, तो वहाँ से अनबैलेंस हुई इनकी बाइक। अच्छा। हाँ सर। तो एक लड़का जो दीपक नाम का लड़का, जो उसका साथी साथ में चल रहा था जी, वो तो खेत में गिर गया जी जाके। ठीक है। उसका भी टंके टूंके आए हैं जी बेचारे का। और सर, मेरा भाई तो उसका मत्था लगा सर सड़क पे। अच्छा, मत्था लगा है आपके भाई का? हाँ जी। तो उसका सिर तो फूटा नहीं सर, उसके अंदर ही नाक से, कानों से और नाक से खून आया, खून आने ब्लड आया, मतलब अंदरूनी चोटें आई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा है जी उसका, तो तुरंत ही मौके पे डेथ हो गई। वहीं पर ही मौके पे डेथ हो गई जी सर। कितनी उम्र थी भाई की? सर 24 से 25 साल की जी। 24-25 साल का ही था? हाँ जी। आप तीन भाई हो? हाँ जी सर, तीन भाई हैं। पिताजी की जगह जॉब मिली थी सर उसको पीएनबी में। अच्छा। वो भी चल दिए, 3-4 महीने हुए थे सर अभी उसको बेचारे को। अच्छा, पिताजी की जगह? हाँ जी, नौकरी में? पिताजी भी अटैक से मरे थे ना। अच्छा, उनकी मौत जो है हुई थी, उसके बाद उनसे नौकरी? हाँ, उससे नौकरी पर रखा गया सर, 3-4 मंथ हुआ था सर अभी उसको। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं दोनों जो भाई हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और मुकेश नाम था उनके जो जीजा हैं हमारे साथ में। आप जीजा हैं उनके? हाँ जी सर। तो आपको कब जानकारी हुई इसके बारे में? बस सर, तकरीबन 10:45 बजे फ़ोन आया जी, बोल रहे उनका एक्सीडेंट हो गया है। बस जी गए सर, वो तो मतलब कि अनबैलेंस होके बाइक खंबे से जा टकराई। हाँ, उसके बाद बता रहे हैं वो खंबे से टकराई। हाँ जी, खंबे से टकराई है जी, खंबे से जा। हाँ, पहले अनबैलेंस हुई, खंबे से टकराई है। बता रहे हैं वो अंदरूनी चोटें आई हैं, यानी नाक और मुंह से? हाँ जी, कान से ब्लड निकला था उसके, मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको। तो अभी फिलहाल मतलब क्या, अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाए हुए? हाँ जी सर, पोस्टमार्टम के लिए लाए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हादसा किस, कौन से गाँव के आसपास हुआ है ये जी? अंजनथली से निकले हैं बड़थल के लिए, बस थोड़ी दूरी जाके दोस्त को छोड़ने के लिए जा रहा था? नहीं जी, घर जा रहे थे अपने। अच्छा, अब, हाँ जी। अच्छा, रहने वाले अमीन के ही थे, अमीन जा रहे थे। अच्छा, अमीन हाँ जा रहे थे। हाँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, आप समझ सकते हैं इस समय परिवार की क्या हालत है। उम्र मैंने आपको बताई मुकेश की, सिर्फ लगभग 23-24 साल ही उसकी उम्र थी, और अभी फिलहाल इस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए शव पहुँचा है करनाल की कल्पना चावला मर्चरी हाउस में। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, मैं आपको दोबारा मुकेश की तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं। आप देख सकते हैं मुकेश की उम्र महज 23-24 साल ही उसकी उम्र है, और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसका दोस्त भी बता रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उसे चोटें आई थी, लेकिन जो मुकेश है वो खुद बाइक जो है उसे ड्राइव कर रहा था। दोस्त जो है वो अचानक से बता रहे हैं खेतों की तरफ गिर गया, लेकिन जो मुकेश था उसकी बाइक खंभे से भी जाकर टकराई, उसके बाद वो जब नीचे गिरा तो बता रहे हैं कि शायद उसका माथा ज़मीन पर लगा या कहाँ लगा, लेकिन अंदरूनी उसे चोटें आई, जिसके बाद बाहर तो चोटें नहीं दिख रही, लेकिन अंदरूनी चोटों की वजह से ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
तो यहाँ पर सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप गाड़ी को ध्यान से चलाएं, थोड़ा धीरे चलाएं। हालांकि रफ्तार कितनी थी कितनी नहीं थी इतना भी बताया गया कि रास्ते के अंदर खड्डे थे जिन वजहों से उसकी बाइक अनबैलेंस हुई है, तो कहीं ना कहीं खड्डों की वजह से भी कई बार हादसे होते हैं। लेकिन इतना भी कहना चाहेंगे कि आपकी अगर वाहन की जो स्पीड है वो भी कम जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हादसे लगातार कल्पना चावला के मर्ची हाउस में रोज़ पहुँच रहे हैं। और ऐसे ये वाला हादसा जो है कहीं ना कहीं जो है सड़क हादसों के अंदर जो है कई वाहन आपस में टकरा जाते हैं, तो कई बार इस तरीके से बाइकें या टू व्हीलर जो होती हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं और उसके बाद जो है लोगों की मौत हो जाती है। सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल तीन भाई थे, दो भाई रह चुके हैं जो कि फिलहाल अपने भाई को ज़रूर याद कर रहे हैं। लेकिन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आपके साथ ये हादसा ना हो, इसके लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।